तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए अब भक्तों को लानी होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया फैसला। शिरडी के साईं मंदिर में अब श्रद्धालु आरती में नहीं ले पाएंगे हिस्सा। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ही अब होंगे दर्शन। अयोध्या स्थित राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम अगस्त तक होगा पूरा, राम मंदिर ट्रस्ट ने दी जानकारी। और जलवायु परिवर्तन के चलते तेल और गैस भंडारों को हो सकता है नुकसान, एक रिसर्च में किया गया दावा। अब जानकारी राष्ट्रीय खबरों की। तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए अब कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। मंदिर प्रशासन के मुताबिक नेगेटिव रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। देशभर में कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर प्रशासन ने ये फैसला लिया है। 1 जनवरी को तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रशासन ने 1000 ब्रेक दर्शन टिकट का ऐलान कर दिया है। ये टिकट श्रद्धालुओं को ऑनलाइन खरीदना होगा। इसके लघु दर्शन के लिए प्रति श्रद्धालु ₹500 का शुल्क लिया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच जहां एक तरफ शिरडी साई मंदिर में होने वाली आरती में श्रद्धालु अब हिस्सा नहीं ले पाएंगे, तो वहीं मुंबई स्थित सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबा देवी और महालक्ष्मी मंदिर में अभी फिलहाल दर्शन और आरती पर रोक नहीं लगी है। बस यहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रवेश को सीमित कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश को लेकर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। अब एक समय में सिर्फ एक ही श्रद्धालु को गर्भगृह में रहने की अनुमति रहेगी। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर मंदिर प्रबंधन समिति ने ये बड़ा फैसला लिया है। 30 दिसंबर यानी गुरुवार से अगले सोमवार यानी 3 जनवरी तक गर्भगृह और नंदी हॉल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर को अगस्त 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल अभी राफ्ट फाउंडेशन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है, जिसे 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी के साथ राम मंदिर के निर्माण के पहले चरण फाउंडेशन निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से दी गई है। 14 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे माघ मेला में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बिना मास्क के मेला परिसर में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये मेला मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। अब बात उन सुर्खियों की जो विदेशों में चर्चा में है। संयुक्त अरब अमीरात में बन रहे एकमात्र हिंदू मंदिर में 7 शिखर होंगे। इस मंदिर में गुलाबी पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा जो राजस्थान से तो मार्बल इटली से मंगवाया जाएगा। करीब 50 करोड़ दिरहम और भारतीय रुपए में अगर इसकी गणना की जाए तो 888 करोड़ रुपए में ये मंदिर तैयार होगा और 2023 तक श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर को खोल दिया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। अब बात पर्यावरण की। जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर के तेल और गैस भंडार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, ये दावा एक रिसर्च में किया गया है। ब्रिटेन स्थित एक संस्था की इस ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण 40% तेल और गैस भंडार को नुकसान सहना पड़ सकता है। इससे सऊदी अरब, इराक और नाइजीरिया सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अब बात कर लेते हैं आज के इतिहास की।